मालाबार ऑपरेशन को लेकर मालाबार युद्धाभ्यास में भारत का सैन्य दमखम दिखाई दे रहा है। अमेरिकी पोत कार्ल विंसन पर सवार हुए भारतीय नौसैनिक भारतीय सैनिकों ने कार्ल विंसन पर युद्धाभ्यास किया। मालाबार युद्धाभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। 12 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्धाभ्यास आज खत्म हो जाएगा और इसमें 4 देशों की नौसेना की ताकत दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इसमें। तो किस तरह से ये ड्रिल हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो क्वाड देश हैं वो उसका ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि ये दूसरा युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास में भारत के जंगी बेड़े भी शामिल हैं, भारत के नौसैनिक भी शामिल हैं और इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 ऐसे देश जिनकी वजह से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चीन परेशान है। और इसी पर हम बातचीत भी करेंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शेखर सिन्हा के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। शेखर जी, इस पूरे युद्धाभ्यास को कैसे देख रहे हैं? क्वाड देश एक साथ आते हैं और ये दूसरी, अगर देखी जाए, दूसरी इंस्टॉलमेंट है इस प्रैक्टिस की, इस युद्धाभ्यास की। चीन के लिए इसमें क्या क्या हिडन मैसेजेस हैं या ओपन वार्निंग है? देखिए रवि, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत पर जो है वो फ्री एंड ओपन सी में बिलीव करता है और उसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन डालेगा तो भारतवर्ष उसका विरोध करेगा। तो ये एक सबसे 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 बड़ा एक इसमें संदेश ये है कि जो भी अगर चीन चाहता है कि भविष्य में वो अपनी मर्जी से जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी हैं, उनका अगर पालन नहीं करेगा तो हम चारों देश मिलकर इसका विरोध करेंगे। तो वो एक, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि एक चीन अकेला इस 4 देश की शक्तिशाली नौसेनाओं के साथ भिड़ंत करने के पहले वो कई बार इसको सोचेगा और हो सकता है कि इससे उसको ये मजबूर होना पड़े कि वो जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसको वो फॉलो करें। जी, और द्विवेदी सर, आप क्या इसे एक बड़ी लकीर मानते हैं चीन के लिए, जो भारत और बाकी सारे देश जो हैं वो खींच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक इमेजिनेशन में रहता था कि चीन के खिलाफ कौन से ग्रुप बनेंगे, कौन से देश साथ आएंगे, वो अब रियलिटी बनता दिखाई दे रहा और ये पता चल रहा है कि कौन से मुल्क हैं जो चीन के खिलाफ कोई अलायंस बना सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और उसको सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल रवि, ये तो एक लाल रेखा है चीन के लिए क्योंकि चीन का एक मंशा है कि वो विश्व की महाशक्ति बन के उभरे और उसके लिए इंडो पैसिफिक जो बहुत अहम है क्योंकि आगे जो है जो भी सुपर पावर कॉम्पिटिशन होगा, महाशक्तियों का जो भी कॉम्पिटिशन होगा वो इंडो पैसिफिक में होगा। जो इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये जो अपने 4 देशों का ग्रुप है, संगठन तो नहीं कह सकते भाई, ये ग्रुप है, ग्रुप है, ये एक बहुत ही मैसेज देता है चीन को कि उनकी जो है मनमानी नहीं चलेगी और अगर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो उसका कड़ा विरोध होगा। और ये 4 देश हैं, इनकी जो नेवीज हैं बड़ी ताकतवर हैं, चाहे आप अमेरिका तो सबसे ताकतवर उनकी नेवी है, साथ ही जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो ये एक कड़ी चुनौती है और मैं कहता हूं कि एक वार्निंग है चीन के लिए कि अपनी गतिविधियों को अपने कंट्रोल में रखिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। दूसरी बात है, ये बहुत जरूरी है युद्ध अभ्यास क्योंकि जब भी सेनाएं एक दूसरे के साथ वो ऑपरेट करना चाहती हैं तो उसमें तालमेल बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।